तुहाडे वल्लों तुहाडे साथियों वल्लों एक वड्डा कदम चुकिया जांदा है ते स्त्री अकाली दल दे विचों इस्तीफा दे दित्ता जांदा जिहड़ा पार्टी ने फैसला कीता है उहदे नाल रोस है साडा। जदों इस बीबी नूं प्रधान बनाया गया तां जिहड़ियां साडियां सीनियर बीबियां सी उहनां दी कोई सलाह भी नहीं ली गई। जिहड़ा बादल परिवार बारे श्रोमणी अकाली दल बारे काफ़ी बयान जारी करते सीगे कि श्रोमणी अकाली दल वह बयानां नूं भुल चुक्या है। स्वर्गवासी सरदार प्रकाश सिंह बादल जी नूं बड़े मंदभागे शब्द बोलते सी, बावर कह के बोलते सी। पैराशूट एंट्रीज बड़िया हो रही ने, कोई आगू कितों का हुंदा है तो उन्हें सीधे तौर के उत्ते वड्डा अहुदा दे दिता जांदा है, इसनूं किस तरह दे साडा ही परिवार है जिहड़ा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल नाल तकरीबन 40-45 साल तो जुड़िया होया सी। पिछली बार मेरी टिकट कट के किसी होर नूं दित्ती गई, इस तरह ही उन्होंने प्रधानगी है जी उन्होंने अगे कंटिन्यू कर दी जाती है, तो फिर तुहाडा की अगला कदम हो? नहीं, असी स्त्री अकाली दल तो देखो इस्तीफा देता है। सत श्री अकाल, D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करदा। श्रोमणी अकाली दल काफ़ी चर्चित पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल का इस्त्री विंग भी है, तो इस्त्री विंग की जिहड़ी कमान आ हरगोबिंद कौर होरां नूं दे दित्ती गई है, जिस तो बाद दे विच नाराजगियां का सिलसिला शुरू हो गया है तो इस्तीफ़ियां का दौर भी चालू हो चुका है। इस सारे मामले नूं लैके असीं अज गलबात करन लई उचेचे तौर पर पहुँचे हाँ बीबी हरप्रीत कौर मुखमैलपुरा होरां दे कोल, क्योंकि बीबी भी लंबे समय तो श्रोमणी अकाली दल दे नाल जुड़े हुए ने ते साबका MLA भी ने। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करते हैं बीबी, स्वागत है जी। D5 चैनल पंजाबी दे सारे दर्शकों नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। तो बीबी जी, की कारण मानते हो कि एक तरीके दे नाल हरगोबिंद कौर नूं प्रधान बनाया जाता है तो उस तो बाद दे विच नाराजगियां दा दौर शुरू हो जाता है तो तुहाडे वल्लों तुहाडे साथियों वल्लों एक वड्डा कदम चुकिया जाता है तो स्त्री अकाली दल दे विचों इस्तीफा दे दित्ता जाता है? गल इस तरह, देखो बीबी हरगोबिंद कौर नाल साडा कोई रोस नहीं हैगा, साडा तां सिर्फ रोस जिहड़ा पार्टी ने फैसला कीता है उहदे नाल रोस है साडा, क्योंकि जिहड़ियां बीबियां बहुत समय तो लंबे समय तो अकाली दल की सेवा करदियां आ रही ने, बहुत इहोजियां बीबियां ने जिन्हां के 40-40, 45-45 सालों तो इस अकाली दल दे विच जुड़ियां होईयां ने, दरियां विछाईयां फिर होर कम कीते सारे वो कम करके बीबियां अज अपने अहुदियां ते आईयां होईयां सी। पर दुख की गल ये हुई है कि जदों इस बीबी नूं प्रधान बनाया गया तो जिहड़ियां साडियां सीनियर बीबियां सी उन्हां दी कोई सलाह भी नहीं ली गई, इस करके जिहड़ा इह रोस सी जां प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई जां प्रधान जी नूं चिट्ठी दित्ती गई इस संबंध करके दित्ती गई सी जी। तो यह भी कहा जाता है कि जदों हरगोबिंद कौर अपने जिहड़ी कोई उन्हां दी जथेबंदी सी उहदे नाल हुंदे सीगे तो उदों बादल बारे जां जिहड़ा बादल परिवार बारे श्रोमणी अकाली दल बारे काफ़ी बयान जारी करते सीगे कि श्रोमणी अकाली दल वह बयानां नूं भुल चुक्या है? देखो जदों बीबी हरगोबिंद कौर जी अपनी यूनियन दे प्रधान हुण भी ने सी, जदों उन्हां दियां धरने लाउंदे सी मुजाहरे करदे सी फिर वो सरदार स्वर्गवासी सरदार प्रकाश सिंह बादल जी नूं बड़े मंदभागे शब्द बोलते सी, बावर कह के बोलते सी। जिहड़ा इंसान साढ़े उस महान लीडर नूं इहो जिहा शब्द बोलूगा सी उन्हां नूं बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक सब तो बड़ी गल असी उन्होंने आया दा उन्होंने स्वागत करते हैं, पर एक गल सोचनी चाहिए है कि जेड़ा बंदा अकाली दल की ABCB नहीं तक नहीं पहुँचा होया अज वो एड्डी उच्ची पदवी पर पहुँच गया तो दूसरिया बीबियां बर्दाश्त करना बड़ा औखा है जी। बीबी जी, सारिया धिर इदा चल रहा है, जिन्या भी सियासी धिर की गल कर लिए पैराशूट एंट्रीज बड़िया हो रही ने, कोई आगू कितों का होंगे तो उन्होंने सीधे तौर के उत्ते वड्डा अहुदा दे दिता जाता है, इसनों किस तरह देखते हो? एक गल इस तरह, जे आप इन्ह गलों पर विचार करिए पार्टियां तो ही पिछे होंदिया जा रही ने, क्योंकि जिन्हों लोगों ने कुर्बानिया दतिया ने शहीदियां दतिया ने उन्हों परिवार ने मन के चलो साडा ही परिवार है जिहड़ा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल नाल तकरीबन 40-45 साल तो जुड़िया होया सी। पिछली बार मेरी टिकट कट के
किसी होर नूं दित्ती गई। तो इस तरह जिहड़े बंदे होर नवे आ जाते हैं जिन्होंने कम किया हुंदा वह फिर नमोशी झलनी पैंदी है उन्हां बंदियां नूं। इस करके जिहड़ी पार्टी है यह हमेशा पिछे ही रहिंदी है क्योंकि जिहड़े नवे बंदे हुंदे ने उन्हां नूं इन्ना पता नहीं हुंदा हैगा, पुराणियां नूं सारा कुछ पता हुंदा, उन्हां नूं पिछे कर दित्ता जांदा जी। इस करके पार्टी है जिहड़ी यह हमेशा पिछे ही रहिंदी है जी। तो 2022 दी चोणां दे विच वी पार्टी का जिहड़ा ग्राफ सीगा काफ़ी पिछे चलिया गया, तो सीधे तौर पर कहा जाए कि कहिंदे उन्हें एक हाशिए ते चली गई है पार्टी, उहदा कारण तुसीं की मानदे हो? उहदा कारण भी यही है कि देखो मैं कहनी हां अकाली दल ने जिन्ना कम किया किसी पार्टी ने इन्ना कम नहीं किया होना। तुसीं पिंडां विच जाके देखो, जदों मैं भी MLA सी बादल साहब ने सानू इन्ने पैसे दिते सी, असी बहुत कम किए। हुण भावें कोई मर्जी सरकार आ जाए पर वो कम उन्ने नहीं हो सकते। पर उही प्रॉब्लम, उहदे टिकट कट उहनू देती, उहदे टिकट कट उहनू देती। इस करके जिहड़े बंदे ने पहला कम किया हुंदा वह बंदे नूं तां सारी नॉलेज हुंदी है, जदों नवा बंदा हुंदा तां फिर उहदे नाल होर बंदे भी नहीं जुड़दे, वो बंदे फिर नाराज़ हो जाते ने भी इन्हों का तो यही काम हो गया भी एक नाल जुड़ो तो कल फिर दूए नाल। इस करके उस समय भी साड़ी पार्टी है जिहड़ी ताइयों पिछे रही सी क्योंकि जे टिकटा की वंड जिहड़ी सी वो सही हुंदी तां मैनूं लगदा साड़ी दुबारा सरकार बन जानी सी जी। तो जिस तरह हुण तुसीं एक चिट्ठी लिखी है, पूरी सूची भी है उहदे विच सारियां शख्सियतां दी जिन्हां ने नाराज़गी जाहर कीती है हरगोबिंद कौर होरां नूं लैके, वो चिट्ठी दा अजे तक कोई तुहाडे तक जवाब आया है ते कदों तक आउण दी संभावना है? देखो हजे साडे कोल जवाब नहीं आया, असीं फिर दुबारा मीटिंग करांगे, उहदे विच देखदे हां किवें की जवाब किहदे कोल आ रहा किस तरह हैगा, फिर असीं अगला जिहड़ा हैगा अपनी रणनीति दुबारा तैयार करांगे। अच्छा, फर्ज़ करो कि जेकर ये फैसला अटल रहिंदा है इस तरह ही उन्होंने प्रधानगी है जी उन्होंने अगे कंटिन्यू कर दी जाती है, तो फिर तुहाडा की अगला कदम होगा? नहीं, असी इसतरी अकाली दल तो देखो अस्तीफा देता है, असी श्रोमणी अकाली दल दे विच वर्करां वांगू कम करांगे क्योंकि श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा साडा शुरू तो ही मां पार्टी है। असी कदे भी किसी पार्टी च नहीं गए, भावें सानू किसी ने भी अखों परोखे किया पर असी कदे भी दूसरी पार्टी च नहीं गए, ना असी जाना। इस तरह असी जिवें वर्कर कम करते ने उस तरह असी अपनी अकाली दल पार्टी के बीच कम करांगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी अपना कीमती समा दिता, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ਇਸ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮੈਲਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਭੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਹੱਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ, ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼, ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਲ, ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਧਰੋਹਰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬਾਤ, ਅਬ D5 ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਗਾ ਸਰ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਚੰਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।